हमारे पास आज एक क्लाइंट आए हैं, अभी अपॉइंटमेंट नहीं था तो एक्चुअली मजबूरी में मुझे करना पड़ा भैया का टैटू। एक्चुअली किसी टैटू आर्टिस्ट ने, देखो आप जैसे देख सकते हो, भैया का फेस नहीं रिवील करके हम टैटू दिखाते हैं। अभी मैंने ये स्टेंसिल रिमूव कर दिया सारा, जैसे कि स्टेंसिल देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ था किसी ने, तो अब ये भी स्टेंसिल देखो कितना टेढ़ा। तो भैया को पता लगा कि उनको थोड़ा सा लग गया, इंट्यूशन हो गया कि मेरा टैटू सही नहीं हो रहा। सो फाइनली इन्होंने अपने फ्रेंड को कॉन्टैक्ट किया, देन फ्रेंड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मेरे फ्रेंड का टैटू ख़राब करता है कोई, अभी स्टार्ट ही किया तो प्लीज़ ठीक कर दो। सो मैंने इमीजिएटली भैया को बुला लिया, अभी टैटू पे वर्क करते हैं। स्टेंसिल मैंने सारा पुराना वाला मिटा दिया हुआ है, अभी हम इस पर फिर से वर्क करेंगे। जितना लाइन हो गया हुआ वो भी टेढ़ा मेढ़ा आपने देखा है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी आप देख सकते हो जब स्टेंसिल उतारूंगा उसके बाद आप रिजल्ट देखना इसका कि आर्म बैंड की प्लेसमेंट हुई कैसी है बेसिकली। ये देखिए एकदम परफेक्ट प्लेसमेंट है, सीधा है, आप देख सकते हो कहीं से भी आपको टैटू की प्लेसमेंट टेढ़ी नहीं दिख रही होगी। लाइक यहाँ से अगर सीधा दिख रहा है आपको तो यहाँ से भी आर्म बैंड देखो सीधा है। पहले की पुरानी प्लेसमेंट दिख रही होगी जो भैया ने किसी और क्लाइंट मतलब किसी और आर्टिस्ट के पास गए थे। सो इसके पीछे ट्राइंगल आएंगे, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे इस एरिया को, पहले जितना लाइनिंग हो सकता है उतना। तो फाइनली भैया बहुत ही अच्छे हाथों में आ गए हैं, लाइक मेरे हाथों आप देख सकते हो ये लाइन देखो जो जो उसने ख़राब करा हुआ था ये, और इसमें देखो कितना फ़र्क है इसमें और इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सो फाइनली टैटू कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो कैमरा जी आप पास में है। ये जैसा आप देख रहे हो टैटू में लाइंस देखिए कितनी फाइन मैंने डाली हैं ना, पीछे ट्रायंगल का उनको भैया को था ट्रायंगल चाहिए था, ट्रायंगल चाहिए था, मैंने ट्रायंगल कर दिया। इस वाले पैटर्न को हमने छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने जो कंपस जब करी थी जिसने भी अनप्रोफेशनल था तो उसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, अभी वो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग की वजह से हम काम नहीं कर पाए। अभी मैं इसको पूरा जेट ब्लैक करने वाला था जो बाहर का राउंड एरिया है क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, तो इसी वजह से वो स्वेलिंग की वजह से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कलर नहीं आया, तो वो जिसकी वजह से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। इसको हम करेंगे 45 डेज के बाद इस वाले एरिया को हम कवर करेंगे और बाकी ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया आप देख सकते हो। सो जिस जिसको ये टैटू पसंद आया या जो मैंने अच्छा काम किया हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।